वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जगन न्यूज 24। अज्ञात कारणों के चलते बंद मकान में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक, कोई जनहानि नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। पानसिमल नगर के शिव टेकड़ी रोड के निवासी अखिलेश कोले के मकान में अज्ञात कारणों के चलते आज आग लगने की घटना सामने आई है। मकान के मालिक जलगोन रोड पर ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे, इस दौरान आग लगने की घटना हुई। उनकी माता जी सुबह काम पर चली गई और परिवार से 9 बजे के मध्य घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई गई है, जिसमें घर में रखा सामान, बेडशीट, गद्दा, रजाई, टीवी, पंखा, स्पीकर, होम थिएटर, कपड़े, पलंग आदि सामान जलकर खाक हो गया है। खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं। पास ही संतोषी माता मंदिर पर भंडारे की तैयारी चल रही थी, वहीं से लोग मकान की ओर दौड़े, पास के मकानों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। नगर परिषद पार्षद प्रतिनिधि महेश कोले ने फाइटर को बुलाया, फायर फाइटर से आग पर काबू पाया गया। लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश बड़वानी पानसेमल से महेंद्र सोनवड़े की खास रिपोर्ट। मकान में ये नटवर कमलेश अखिलेश रामचंद्र के मकान में आग लगी है। ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है और इसमें सामान, मकान का सामान पूरा जल के राख हो गया है। टीवी, पंखे, बेडशीट, गादियाँ वगैरह सब जल के राख हो गया है और नगर पंचायत के फाइटर की मदद से हमने जैसे वैसे आग को काबू किया। क्या 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 जला है सामान? सामान में बेडशीट जली है, 2 पंखे जल गए हैं और एक दो टीवी जल गई है, होम थिएटर जल गया है, कांच की खिड़कियाँ जल गई है। नगद 8 से 10 रुपये, 10,000 रुपये नगद रखे हुए थे गाड़ी के नीचे, वो भी जल के राख हो गए हैं। लगभग कितना नुकसान है? अनुमान लगाया जा रहा है 1 से 1.5 लाख रुपए के लगभग सामान जल के राख हो गए हैं, घर के कपड़े वगैरह सब। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, जनहानि नहीं हुई।